रहमान रहीम आप देख रहे हो चल रहे ऐसे मैकेनिकल टिप्स। ये R180 इंजन है और इसको हम अभी पिस्टन रिंग डाल रहे हैं। ये अभी रिंग का जो मुंह है इसका मुंह जो है ना अलग अलग साइज पे करना है और ये सुराख जो है इसका आपने ऊपर वाले की तरफ करना है। ये आयल वाला है, राड का सुराख होता है आयल का, ये आपने ऊपर की तरफ करना है। इसको अभी हमने आयल दे दिया, आयल रिंगों को आयल लगा लोगे, आयल लग गया। इसके बाद हमने इसको क्लिप लगाने हैं। इसको फुल टाइट कर लोगे, अभी फुल टाइट हो गया। इसको आपने सेट करना है, बिल्कुल सीधा करना है। ये सीधा हो गया, अभी हमने लगाने इसको पीस को लगाने हैं। ये पीस लगा दिया, हमने देना है पीस को भी आयल। और बोर को भी आयल देना है। ये भी अब आप सीधा कर लोगे, इसको बिल्कुल इजी आसानी से और देना है। ये आप देखते हो पिस्टन बैठ गया। अभी आप इसको बिल्कुल जो है ना ऑक्स हो गया। अभी इसको हम लगाते हैं फिटिंग करते बैक कवर को। इसका बैक कवर हमने अभी फिट करना है, इसको बिल्कुल टाइट करना है। ये लूज रह जाते हैं ये आवाज़ करेगा और राड पीस ख़राब करेगा। इसको बिल्कुल आपने टाइट करना है, ये बिल्कुल टाइट हो गया। अभी इसको हमने वेट लगाना है। ये भी इसको बिल्कुल टाइट करना है। ये वेट है, क्रिंग वेट है, इसको बिल्कुल टाइट करना है। बिल्कुल टाइट हो गया, अभी इसको भी फिट करना है। इसके बाद आपने ये चकनट लगाने ठीक। ये अभी इसको बिल्कुल टाइट करना है। Ya veo.
आयल हो गया, इसमें आयल डाल दी है। अब ये कवर, इसको बैक कवर को फिट करेंगे। अभी इसका डीजल पंप चेक करते हैं। डीजल पंप प्रेशर बनाते नहीं है अभी, बिल्कुल ओके है डीजल पंप। इसको अभी लग, अभी एटोमीटर पैप फिट कर रहे हैं। एटोमीटर पैप के बाद इसको हम नोजल चेक करेंगे। ये भी एटोमीटर पैप हम इसको फिट करते हैं। एटोमीटर पैप हो गया, इसको अभी हम नोजल लगाएंगे। ये नोजल हम लगा रहे हैं इसको। अभी इसका डीजल चेक करते हैं, पहले इसका हवा निकालेंगे, हवा के बाद इसका नोजल चेक करेंगे। ये अभी इसको हमने हवा निकालेंगे, इसका इसका हवा निकालते हैं। ये इसका भी हम हवा निकालेंगे। ये इसका भी, ये भी इसका हवा निकालते हैं। इसको नोजल चेक करते हैं। ये भी हवा निकल गया इसका। यूट्यूब चैनल के मडल नहीं रोल ना अगला स्टैंड रोबार करो अभी इन्हें बड़ी जा, बड़ी जा, पर आज का आना खा देना। आड़ी मत,